हमारे जीवन दादा, हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज सवेरे में प्रभु जी आपका वचन पढ़ने में, प्रभु जी आपका स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए आपने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करता है। आप जीवित महा अद्भुतकारी प्रभु है। आज सवेरे में प्रभु जी जो कोई हमारे साथ होते हुए प्रार्थना करता है, तमाम लोगों के ऊपर प्रभु की शक्ति उतरने पाए, प्रभु के अभिषेक उतरने पाए। आज इसी वक्त में प्रभु जी आपकी कृपा इन लोगों के ऊपर उतर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आप महान अद्भुतकारी प्रभु है। आज प्रभु जी हम सबको आपका हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करता है। हरेक अंधकार की ताकत, हरेक दुष्ट शैतान की ताकत यीशु नासरी के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करता है। आज इसी वक्त में प्रभु जी आपकी कृपा से, आपके अभिषेक से हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आप जीवित महान अद्भुतकारी प्रभु है। आज भी हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। आज सवेरे के दिन में, सवेरे में प्रभु जी आपकी कृपा एक एक लोगों के ऊपर उतर के आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु आप है, हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु आप है। ओ प्रभु जी आगे बढ़ा के हमें, ओ प्रभु जी सुरक्षित रख रहा है, इसलिए धन्यवाद। वचन से हमें तृप्त करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज सुबह में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। प्रभु जीवित महान अद्भुतकारी प्रभु है, वो हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। यूहन्ना की पहले पत्री दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पाप का भी। और यहाँ पे वचन कहता है और वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारा पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से मनुष्य होकर ये धरती पर उतर के आया है। वो स्वर्ग से मनुष्य होकर ये धरती पर उतर के आया है। वो जीवित खुदा प्रभु है। और वो क्यों ये धरती पर उतर के आया, और हमारे पापों के लिए बलिदान देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर उतर के आया है। वो पहले से था, ये संसार उत्पन्न होने से पहले से यीशु मसीह था, और वो परमेश्वर के साथ था। वही परमेश्वर है, और वो मनुष्य होकर, देहधारी होकर इस धरती पर उतर के आया है। वो हमारे लिए बस नहीं, और कोई कुछ देशों के लिए बस नहीं, सारे दुनिया के तमाम लोगों के लिए, और तमाम लोगों के लिए वो प्रायश्चित होकर ये हमारे ये धरती पर उतर के आया है। केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, और जगत के सारे लोगों के पापों के लिए यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य होकर आया है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सोचता है कि हम कैसे जीवन बिताएंगे, हमारे कैसे हमारे पापों को धो सकता है, और यहाँ पे एक ही रास्ता है, यीशु मसीह आपके लिए और जीवन दिया हुआ प्रभु है आपके लिए, वो आपका पापों के लिए प्रायश्चित है। हालेलुया। वो आपके पापों के लिए अपने आप
बलिदान दिया हुआ प्रभु है। और यहाँ पे हम यूहन्ना पहला पत्री और उसका पहला अध्याय उसका आठवां वचन हम पढ़ेंगे। और आठवां वचन में यदि हम कहें कि हम के कुछ भी पाप नहीं और तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं। हम में पाप नहीं है करके कोई बोल रहा है तो वो अपने आप धोखा देने वाला है और उनके पास सत्य नहीं है। और वहाँ पे हमारे पास सत्य नहीं रहेंगे। और नौवां वचन में यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पाप को क्षमा करते और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यहाँ पे वचन कहता है हम अपने पापों को मान ले, प्रभु के आगे में हमें समर्पित करें। हम बोले कि प्रभु हमारे पापों को धोने के लिए आप सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु हमको शुद्ध करिए, पवित्र करिए। आज प्रभु हमारे तमाम पाप को दूर करने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और उसके उसके आगे में हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। आप बोलेंगे कि प्रभु हमारे सारे पापों को आप धोना है और मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं आपके आगे में मुझे समर्पित करता हूँ। निश्चय ही हमको क्षमा करने वाला एक प्रभु वो जीवित है। और यहाँ पे वचन कहता है हम जो कोई पापों को मान लेता है उन पर प्रभु क्षमा कर देता है और अधर्म से वो हमें शुद्ध करता है। कौन कौन अंधेरा में है, कौन कौन अधर्म में है, उनको शुद्ध करके पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को होगा। हालेलुया। वो इसलिए कि कोई जानवर या पक्षियों को रखे पहले जमानों में बलि देता था पापों को शुद्ध करने के लिए, पर आज वो मनुष्य होते हुए और शरीर होते हुए इस धरती पर उतर के आया है। वचन देवदारी हुआ, वो वचन हमारे बीच में है, वो वचन हालेलुया आज शरीर होके देवदारी होके हमारे बीच में आया। उनके ऊपर विश्वास करने से और उनके आगे में हम बोले कि अपने पापों को मान लेने से प्रभु क्षमा करने वाला है और प्रभु क्षमा करते हुए हमें हरेक अधर्म से शुद्ध कर देता है। और यहाँ पे बता देता है और शुद्ध करते हुए वो विश्वास योग्य और धर्मी पर प्रभु है। वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन दादा हमारे परमेश्वर प्रभु जी एक एक भाई बहनों को आपका हाथ में समर्पित करता है। सबको प्रभु जी आपके कृपा से अभिषेक करिए, आपके कृपा से आगे बढ़ाइए, तमाम परेशानियों से बचा लीजिए। आज इसी वक्त में एक एक लोगों के ऊपर प्रभु के शक्ति उतरने पाए, आपके अभिषेक उतरने पाए। आज इसी वक्त में बीमारियों के कारण हॉस्पिटल में घरों में रहने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करता है, अब यीशु के नाम से चंगाई होने पाए।